चलिए अब 775 डीसी मोटर का स्पीड चेक करते हैं। और ये 555 डीसी मोटर तो बहुत ही अच्छे से चल रहा है। हेलो दोस्तों, मैं नाम है राहुल और आप देख रहे हैं क्रिएटिव बॉय डाल यूट्यूब चैनल। दोस्तों मुझे डीसी मोटर का स्पीड कंट्रोल करना था, इसलिए मैंने ऑनलाइन से एक डीसी मोटर स्पीड कंट्रोलर खरीदा है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको उसका अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा, उसके अंदर क्या क्या फंक्शन है, वो कितने वोल्ट पे चलता है, कितने एम्पियर का है, और उस डीसी मोटर स्पीड कंट्रोलर से हम कौन कौन सा डीसी मोटर का स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, ये सब कुछ बताऊंगा। तो वीडियो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखना। और हाँ दोस्तों, आप लोग अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियो अपलोड करता रहता हूं। तो चलिए जल्दी से आज का वीडियो शुरू करते हैं। ये दोस्तों हमारा डीसी मोटर का स्पीड कंट्रोलर। स्पीड कंट्रोलर कुछ ऐसे पैकेजिंग में आता है, और इसको मैंने कहाँ से खरीदा, कितने में खरीदा, ये आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखना। सबसे पहले मैं इसको पैकेट से बाहर निकालता हूं। दोस्तों इस पैकेट के अंदर हमें जो इसका जो पोटेंशियोमीटर है, इसका नॉब मिलता है, इसको हमें ऐसे लगाना होता है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये दोस्तों हमारा डीसी मोटर स्पीड कंट्रोलर। हमारा स्पीड कंट्रोलर दिखने में कुछ ऐसा होता है, आप देख सकते हो। इसका क्वालिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ये बहुत ज़्यादा भारी स्पीड कंट्रोलर है। और इसके अंदर क्या क्या फंक्शन है, ये कितने एम्पियर का है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी बात करते हैं डीसी मोटर स्पीड कंट्रोलर के अंदर क्या क्या फंक्शन है, ये कितने वोल्ट पे चलता है और ये कितने एम्पियर का है, ठीक है। तो ये जो डीसी मोटर स्पीड कंट्रोलर है, ये 12 वोल्ट से लेकर 40 वोल्ट तक चलता है। मतलब इसके अंदर आप 12 वोल्ट से लेकर 40 वोल्ट दे सकते हो, और उसके अंदर कोई भी मोटर चला सकते हो, जैसे कि 775 डीसी मोटर, 555 डीसी मोटर, और भी बहुत सारा मोटर है, उसको आप चला सकते हो। और ये 10 एम्पियर का स्पीड कंट्रोलर है, इसके अंदर आपको एक फ्यूज भी मिलता है। अगर गलती से इसके अंदर आप ज़्यादा वोल्टेज या फिर ज़्यादा एम्पियर दे दो, तो ये फ्यूज आपके मोटर को बचा लेगा, आपको आपका जो मोटर है वो जल्दी से ख़राब नहीं होगा। तो इसके अंदर ये जो फंक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा फंक्शन है, इसके अंदर आपको फ्यूज मिलता है। और जो डीसी मोटर स्पीड कंट्रोलर है, उसके अंदर आपको ऐसा फंक्शन नहीं मिलता है, लेकिन इसके अंदर है, क्योंकि ये हाई एम्पियर का स्पीड कंट्रोलर है। और यहाँ पर दोस्तों आपको मोटर और जो बैटरी है उसको कनेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर जो आपको स्क्रू मिलता है, इसके अंदर यहाँ पर लिखा भी है, आप देख सकते हो, पावर प्लस, पावर माइनस, मोटर प्लस, मोटर माइनस। यहाँ पर लिखा है पावर प्लस और पावर माइनस, मतलब इसके अंदर आपका जो बैटरी है या फिर आप जो पावर सप्लाई यूज करोगे उसका प्लस और माइनस यहाँ पर कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर जो यहाँ पर है मोटर प्लस, मोटर माइनस, मतलब इसके अंदर आपको मोटर का प्लस माइनस को लगाना है। तो ये बहुत ही इजी कनेक्शन है। और यहाँ पर इसका पोटेंशियोमीटर, इसका यूज करके आप डीसी मोटर का स्पीड को इंक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो, ठीक है। और इसका जो पोटेंशियोमीटर है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, और इसके साथ आपको एक नॉब भी मिलता है, तो इससे आपको ऑपरेट करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाता है। आप देख सकते हो कैसे घूम रहा है, बहुत ज़्यादा स्मूथ पोटेंशियोमीटर है। तो चलिए अब इसे चेक करते हैं, इसके मैं जल्दी से इसका कनेक्शन कर लेता हूँ, फिर इसको चेक करते हैं कैसा काम करता है। मैं इस डीसी मोटर स्पीड कंट्रोलर को चेक करने के लिए यहाँ पर 12 वोल्ट का लिथियम बैटरी का यूज करूंगा। मैंने यहाँ पर तीनों बैटरी को सीरीज में कनेक्ट कर दिया है, तो अभी ये 12 वोल्ट का हो चुका है। और ये जो लिथियम बैटरी होल्डर है, ये मैंने ही बनाया था। आपने अगर इसका वीडियो नहीं देखा तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो, ठीक है। तो मैं जल्दी से इस लिथियम बैटरी के वायर को यहाँ पर स्पीड कंट्रोलर के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर बैटरी का वायर को कनेक्ट कर दिया, आप देख सकते हो। अभी बस हमें मोटर का वायर कनेक्ट करना पड़ेगा, तो मैं इस वायर को यहाँ पर कनेक्ट करूंगा। तो मैंने यहाँ पर बैटरी और डीसी मोटर का वायर कनेक्ट कर दिया, आप देख सकते हो। और आप जब यहाँ पर कनेक्शन करना, तो यहाँ पर प्लस माइनस देख लेना, नहीं तो आपका मोटर काम नहीं करेगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर प्लस माइनस देख के ही कनेक्शन किया है, और कनेक्शन कुछ ऐसा है, कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा ईजी है। मैं यहाँ पर स्पीड कंट्रोलर को चेक करने के लिए तीन अलग अलग तरह का डीसी मोटर के यूज़ करूंगा। सबसे पहले 385 डीसी मोटर, फिर 555 डीसी मोटर, फिर 775 डीसी मोटर। ये तीनों मोटर बहुत ही हाई एम्पियर खींचता है। तो चलिए इस तीनों मोटर को चेक करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर 385 डीसी मोटर को चेक करूंगा, यह मोटर कैसा चलता है इस स्पीड कंट्रोलर के साथ। तो मैं जल्दी से यहाँ पर जो वायर है इसको मोटर के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ।
सो मैंने यहाँ पर मोटर के साथ स्पीड कंट्रोलर का वायर कनेक्ट कर दिया है और मैंने मोटर के शाफ्ट में एक टेप भी कनेक्ट कर दिया है ताकि आपको पता चल जाएगा ये मोटर घूम रहा है कि नहीं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये जो स्पीड कंट्रोलर से इस पोटेंशियोमीटर को घुमाता हूँ और यहाँ पर मोटर का स्पीड को बढ़ाता हूँ। ठीक है, तो आप ध्यान से देखना। सो दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं सबसे स्लो स्पीड में घूम रहा है, मैं यहाँ पर धीरे धीरे स्पीड को बढ़ाता हूँ। सो दोस्तों, आप लोगों ने सुना इसका आवाज, इसका स्पीड धीरे धीरे बढ़ रहा है और धीरे धीरे कम भी हो रहा है। तो ये जो स्पीड कंट्रोलर है बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है, आप देख ही सकते हो। मैंने यहाँ पर 555 डीसी मोटर कनेक्ट कर दिया है, तो चलिए अब इस मोटर को चेक करते हैं। तो मैं यहाँ पर स्पीड को इंक्रीज करता हूँ धीरे धीरे। अभी आप देख सकते हो सबसे स्लो स्पीड में घूम रहा है, तो मैं यहाँ पर स्पीड को बढ़ाता हूँ। सो दोस्तों, ये जो 555 डीसी मोटर है इसका भी स्पीड बहुत अच्छे से कंट्रोल हो रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हो। मैं जैसे यहाँ पर घुमा रहा हूँ इसका स्पीड भी वैसे कम या फिर ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो ये 555 डीसी मोटर के साथ भी बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर 555 डीसी मोटर के साथ उसका फैन को भी लगा दिया है, तो अभी इसको चेक करते इसका स्पीड कैसे कंट्रोल होता है। ठीक है, सो दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं बिल्कुल स्लो स्पीड में घूम रहा है, तो मैं यहाँ पर धीरे धीरे इसका स्पीड को इंक्रीज करता हूँ। ठीक है, सो दोस्तों, आप देख सकते हो इसका स्पीड कैसे कंट्रोल हो रहा है। इस 555 डीसी मोटर का स्पीड बहुत ही अच्छे से कंट्रोल हो रहा है। आप इस स्पीड कंट्रोलर को कोई भी टेबल फैन या फिर जो कूलर होता है 775 या फिर 555 डीसी मोटर से बनाते हो, तो उसको आप यहाँ पर बहुत ही आसानी से लगा सकते हो। स्पीड कंट्रोलर बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है। अभी दोस्तों 775 मोटर को चेक करता है ये कैसा काम करता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा हाई एम्पेयर खींचता है, तो चलिए अब इसका स्पीड कंट्रोल करके देखते हैं। सो दोस्तों, ये इसका सबसे लो स्पीड आप देख सकते हो, अंदर जो प्रोपेलर है ये भी घूम रहा है और यहाँ पर टेप भी घूम रहा है, बहुत ही स्लो घूम रहा है। तो अभी मैं इसका धीरे धीरे इसका स्पीड को बढ़ाता हूँ। दोस्तों, अभी आप देख सकते हो ये मोटर का जो स्पीड है वो बहुत ही अच्छे से कंट्रोल होता है, ये बहुत ज़्यादा हाई एम्पेयर लेता है। लेकिन दोस्तों, ये जो स्पीड कंट्रोलर है बिल्कुल भी नहीं गर्म हो रहा है और बहुत ही अच्छे से इस मोटर का स्पीड को कंट्रोल कर रहा है। सो दोस्तों, आप लोगों ने देखा ये डीसी मोटर स्पीड कंट्रोलर कितनी अच्छे से डीसी मोटर का स्पीड कंट्रोल कर रहा था। इस स्पीड कंट्रोलर का यूज करके आप 12 वोल्ट से लेकर 40 वोल्ट तक कोई भी डीसी मोटर का स्पीड कंट्रोल कर सकते हो, ये हाई एम्पेयर का स्पीड कंट्रोलर है। अभी बात करते हैं स्पीड कंट्रोलर मैंने कहाँ से खरीदा है और कितने का खरीदा है। मैंने स्पीड कंट्रोलर मेकर बाजार से खरीदा है और इसे मैंने 159 रुपये में खरीदा है, तो बहुत ज़्यादा सस्ता था इसलिए मैंने खरीद लिया और ये बहुत ज़्यादा काम का चीज़ है। तो आज का वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।